हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल ज्ञान स्टूडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूं कि जो खाने की नली होती है, इसका कैंसर क्या होता है और यह आपके शरीर को किस तरह से प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स, जो खाने की नली का कैंसर होता है, उसे एसोफेगल कैंसर भी कहते हैं। अब आप इस बात को समझिए कि एसोफेगल क्या होता है। तो एसोफेगल एक लंबी खोखली ट्यूब की तरह एक नली होती है जो कि आपके पेट तक जाती है, जिसे कि खाने की नली या फिर ग्रॉस नली भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि आप जो भी खाना खाते हैं, एसोफेगल उसे पेट में पाचन के लिए पहुंचाती है। तो यह होती है एसोफेगल, और यदि इसमें जब कैंसर होता है तो वह एसोफेगल कैंसर कहलाता है। आपके खाने की जो नली का कैंसर होता है, आमतौर पर उन कोशिकाओं में शुरू होता है जो एसोफेगल के अंदर होती है। खाने की नली का कैंसर एसोफेगल में ही हो सकता है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में जो एसोफेगल का खतरा होता है, वह काफ़ी ज़्यादा होता है, और महिलाओं से ज़्यादा यह पुरुषों को होता है। दुनिया के कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन हिस्सों में बहुत ही आम कैंसर होता है यह, और इसमें भी यही होता है कि जो आपकी जो ग्रॉस नली होती है, जिसको कि एसोफेगल कहते हैं, इसमें भी कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि शुरू होती है और यह धीरे धीरे आपकी पूरी ग्रॉस नली में फैल जाता है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी कि गले में जो खाने की नली होती है, उसका कैंसर क्या होता है, यह कैसे आपके शरीर में फैलता है। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल के आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हमारे चैनल पर नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।